बेटे कन्हैया जी बाबा, अपने घर के पूरे सदस्य के छोटे से बड़े तक के सबका नाम लिख दे इस पत्थर पे, फिर देखो सुबह बाबा लक्कड़ की जबानी जिस किसी ने भी चोरी की होगी उसका नाम इस पत्थर पे से मिट जाएगा। सोना कि घर के किसी सदस्य ने चोरी की है और वो कन्हैया का तांत्रिक बाबा, उसने क्या कहा था कि जिसने चोरी की है उसका नाम सुबह तक मिट जाएगा। मुझे तो इस पत्थर पे किसी का नाम मिटा हुआ नजर नहीं आ रहा है, ढोंगी बाबा कहीं का। सही कहा आपने भाभी, इस पत्थर पे से किसी का भी नाम नहीं मिटा, क्योंकि जो तांत्रिक आया था वो कोई और नहीं कांस्टेबल हलचल था। वो हमारे ही कहने पर यहां तांत्रिक बनकर आया था ताकि चोर को पकड़ने में हमारी मदद कर सके। पर सोना, तो भी तो किसी घर के सदस्य ने चोरी तो नहीं की ना? भाभी, अगर आप गौर से इस पत्थर को देखेंगे तब आपको खुद पता चल जाएगा कि चोर कौन है। चोर कोई और नहीं, जूली है। इस पत्थर पे जूली का नाम दो बार लिखा गया है। अपने आप को बचाने के लिए जूली रात के अंधेरे में आकर इस पर अपना नाम दोबारा लिख कर गई। उसे डर था कि सुबह होते ही अगर उसका नाम गायब हो जाएगा तो उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। बताओ, तुमने चोरी की है? अब चुप क्यों हो? बोलो, तुमने की है चोरी?
मम्मी जी आप ये क्या कह रही हैं? जूली अभी बहुत छोटी है, इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती। और सोना तुम इतना घटिया इल्जाम तुम मेरी बेटी पर कैसे लगा सकती हो? भाभी आप हम पर गुस्सा मत होइए, हम भी इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहते कि चोरी जूली ने की है, पर जो सच है वो सामने है। जूली हम तुमसे पूछ रहे हैं, जवाब दो हमें, ये चोरी तुमने की है? हाँ दादी। दादी नया मोबाइल, इसके अंदर सारे फीचर्स होते हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स के पास है, सिर्फ मेरे पास नहीं। मुझे पुराना मोबाइल ले जाने में बहुत शर्म आती थी, बस इसीलिए। क्या कर रहे हैं आप? माना कि जूली से बड़ी गलती हो गई, इसका मतलब यह नहीं कि आप उस पर हाथ उठाएं। उसको समझाइए कि भविष्य में कभी इस तरीके की और गलती ना करे, उसके जहन में कभी चोरी करने का ख्याल तक ना आए। अरे कन्हैया तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो? अरे गोवर्धन ठीक ही तो कर रहा है। इस लड़की को समझाने की क्या जरूरत है जो कि अपने घर में ही पैसों की चोरी कर रही है? इसको सबक मिलना ही चाहिए। चोरी भी क्या? मम्मी जी ये आप क्या कह रही हैं? मम्मी जी जूली अब छोटी नहीं बड़ी हो गई है, उस पर हाथ उठाने से कोई फायदा नहीं होगा। देखो हम इतना जानते हैं कि चोरी जूली ने की है, और हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम और कन्हैया इसे क्यों बचा रहे हो। मम्मी जी हम बचा नहीं रहे हैं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उसे मारने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि हमें जूली को समझाना चाहिए कि उसने क्या गलती की है। और जूली तुम जानती हो तुमने क्या किया है, कितनी बड़ी गलती की है तुमने, हम सबका विश्वास तोड़ा है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी जूली। आज अगर हमने और इन्होंने गोवर्धन भैया को तुम्हें मारने से रोका है तो इसका मतलब तुम कतई मत समझना कि तुम सही हो या हम तुम्हें बचा रहे हैं। तुमने गलती की है और तुम सजा की हकदार हो। अपने ही घर में चोरी कहां की? और देखो अपनी मम्मी पापा की तरफ, आज तुम्हारे वजह से सबके सामने उन्हें शर्मिंदा होना पड़ रहा है। और चीकू तुम्हारा छोटा भाई क्या सीखेगा ये तुमसे? चोरी करना? चोरी करने से कम एक बार तो सोचा होता इसके दिलो दिमाग पर क्या असर होगा। हम सब ने भी कॉलेज लाइफ देखी है, हम जानते हैं तुम इस वक्त क्या महसूस कर रही जब हमारे दोस्त महंगे मोबाइल खरीदें जो हम ना खरीद पाए, तो कितना छोटा महसूस करते हैं हम जानते हैं। कभी कभी तो ईर्ष्या भी होती है, पर जूली इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अपने संस्कारों को ताक पर रखकर हम चोरी करने लगे।
ये हालात सबके सामने आते हैं। जरूरतें सबको अपने पीछे खींचती हैं और इच्छाएं उन्हें पा लेना चाहती, और इस सच को कोई झुटला नहीं सकता। लेकिन जब हम अपनी इंफीरियोरिटी, अपनी हीन भावना, अपने ऊपर ज्यादा हावी होने देते हैं, तब हम गलत रास्ते अपनाते हैं, जैसे कि तुम्हारे साथ हुआ। हमें एक बात बताओ, तुमने एक बार भी अपने मम्मी पापा से तुम्हारी इच्छा जाहिर करने की कोशिश की कि तुम्हें नया मोबाइल चाहिए? तुमने खुद ब खुद सोच लिया कि मम्मी पापा तो हमें मोबाइल दिलाने नहीं वाले, तो हम क्या करें, चोरी करके नया मोबाइल खरीद लेते हैं। सच कह रहे हैं ना हम? चुरी, हर इंसान को अपनी सीमाओं का एहसास होना चाहिए, क्योंकि सीमाएं और जरूरतें दोनों साथ साथ चलती हैं। तुम ही बताओ, कल अगर तुम्हारे दोस्तों ने और महंगा मोबाइल खरीद लिया, तब तुम क्या करोगी? और बड़ी चोरी करोगी? वो तो छोड़ो, अगर उन्होंने गाड़ी खरीद ली, तब क्या करोगी? इच्छाएं असीम होती हैं, उन्हें संतुष्ट नहीं किया जा सकता, पर हमें अपनी इच्छाओं पर काबू रखना आना चाहिए। ये सोचो कि पढ़ाई करने के बाद जब तुम नौकरी करोगी, खुद पैसे कमाओगी, तब अपनी मनपसंद चीज खरीद सकती हो, तब तुम्हें किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। सॉरी साची, मैंने इन बातों का जरा भी ख्याल नहीं किया। पर मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। बस 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 बस, बस चलो रोना बंद करो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी आपके सारे पैसे लाके देती हूँ और आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। ठीक है जूली, जाओ ऊपर जाओ। चीकू और डिंपल, तुम भी ऊपर जाओ। जब से पता चला है तुम सबको कि घर में से ही किसी ने चोरी की है, तुम सब परेशान हो गए। ऐसा क्यों है? हम तुम सब से कुछ पूछ रहे हैं, बताओ भाई। हम जानना चाहते हैं वो कौन सी बात है जो तुम लोग छुपा रहे हो हमसे। मम्मी जी, बहुत दिनों से हमने 20,000 रुपए आपको देने के लिए बचाए, लेकिन हमने पार्लर के कीमती प्रोडक्ट्स में वो पैसे खर्च कर दिए। तो हमें डर था कि अगर कोई वो कीमती प्रोडक्ट्स देख लेगा तो यही सोचेगा कि वो 20,000 रुपए हमने लिए हैं, इसलिए। अच्छा, और गोवर्धन, तुम क्या छुपा रहे थे? मम्मी जी, मैं बहुत दिनों से एक ही पोस्ट पे था, तो एक छोटे से प्रमोशन के लिए किसी को 20,000 रिश्वत देने की बात हुई थी, पर संयोग से उसी समय घर में ये घटना घट गई। तो मुझे लगा अगर घर में किसी को पता लग गया और रिश्वत देने की बात, तो सब मुझ पे ही शक करेंगे। और तुम? मम्मी जी, नौकरी ना होने के कारण मेरे हाथ में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसलिए नीलम ने अपने जेवर मुझे दिए थे गिरवी रखने के लिए। उन्हें गिरवी रखकर मुझे 20,000 रुपए मिले थे।
लेकिन मैंने ये सब इसलिए छुपाया क्योंकि अगर किसी को पता चल जाता तो सबको लगता कि चोरी मैंने की है। और तुम मनोहर? अब मम्मी जी हमने सोचा था कि डाउन पेमेंट करके बाइक लेंगे। पर तुम्हारे पास तो बाइक है ना मनोहर। मम्मी जी हम जानते थे कि आप दूसरी बाइक नहीं लेने देंगे, इसलिए हम चुपके से नई बाइक खरीदना चाहते हैं। लेकिन ये चोरी की वजह से। बस बस हम समझ गए। और तुम रेनू बहू, तुम क्या छुपा रही हो? मम्मी जी हम ना एक कोचिंग क्लास ओपन करने के लिए थिंकिंग कर रहे थे, और उसके लिए ना हमने मनी सेव करके रखी थी बिंदिया जी की तरह, और वो मनी ना हम आपको गिव अप नहीं करना चाहते थे, पर वो चोरी हुई तो। और तुम दर्शना? मम्मी जी वो कहा है ना कि ये कहीं से कमीशन के 20,000 रुपए लाए थे। हमको लगा कि अगर आपको पता चल जाएगा तो आप घर खर्च के लिए ले लेंगे, और फिर चोरी हो जाने के बाद हमने सोचा कि हम दोनों ही कहीं बाहर चले जाते हैं ताकि किसी को 20,000 रुपए के बारे में मालूम ना पड़े और हम पे चोरी का इल्जाम ना आए। ओ तो हमारे पीठ पीछे ये खिचड़ी पकड़े। अगर हमारे 20,000 रुपए चोरी ना हुए होते तो हमें तो ये सब पता ही नहीं चलता। दामाद जी आपको जो भी कमीशन मिला है आप कम से कम बता देते तो हम आप पे शक तो ना करते। दामाद जी तुम्हें जो पैसे कमीशन में मिले हैं वो तुम घर खर्च के लिए दोगे, समझे? हाँ 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 मम्मी जी। और मनोहर तुम्हारे पास तो बाइक है ना, कोई जरूरत नहीं है नई बाइक लेने की, जो पैसे तुमने जमा किए हैं ना हमें अभी मिल जाने चाहिए। जी मम्मी जी। उधम नीलम बहू के गहने छुड़ाने के लिए पैसे हमसे ले लेना, और जब नौकरी लग जाए तो पैसे हमें वापस भी दे देना। जी मम्मी जी। और सुन लो तुम सब, घर की किसी भी बहू के जेवर गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं है। बिंदिया और रेनू बहू तुम दोनों अपने पैसों का खर्च अपने हिसाब से कर सकती हो। जी मम्मी जी। जी मम्मी जी। लेकिन अगले 6 महीने में अपना घर का खर्च तुमको बढ़ा के देना होगा हमको, समझी? जी मम्मी जी। मम्मी जी मैं 6 महीने के बाद से दे दूंगा पैसे। तुमसे किसी ने ऐसा कहा? नहीं ना, तुम्हारे 20,000 हमें चाहिए। खबरदार जो प्रमोशन के लिए रिश्वत देने की कोशिश भी की। सोना बहू हमको लगा था कि ये चोरी चोर ने की है। हम तुम्हें धन्यवाद देना चाहते हैं कि तुम्हारी वजह से इन सब की सच्चाई सामने आ गई। अरे मम्मी जी ये तो जाहिर सी बात है कि चोरी चोर ने नहीं की। हमारा मतलब कि अब तक तो चोर ने कभी पैसों की चोरी नहीं की है, वो सिर्फ खाने की चीजें चुराता है, इसलिए हमें लगा कि ये चोरी चोर ने नहीं की।